तो गाइस आज का रेसिपी मेरा रहेगा कि मैं पत्ता गोभी की बनाऊंगी पकौड़ी। तो सबसे पहले गाइस मैं पत्ता गोभी को अच्छे से दो तीन बार धुल ली हूँ, और उसके बाद मैं इसको चल रही हूँ इस पे रेतनी पे घिसूंगी ताकि एकदम छोटा छोटा हो जाए, क्योंकि काटने से इतना अच्छा पकौड़ी नहीं बन पाएगा। तो मैं इसको घिस लूँगी, उसके बाद मैं चावल में इसको मिक्स करके तो बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और बहुत ही कम समय में मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। पहले तो इसको मैं घिस लेती हूँ, देख सकते हैं मैं इसको तीन टुकड़ा में काट ली, क्योंकि इसको ऐसे बड़ा मतलब पूरा एक ठो रहेगा तो नहीं घिस पाऊँगी, तो इसकी वजह से मैं तीन टुकड़ा इसका कर ली हूँ। तो गाइस देखिए मैं इसको घिस ली हूँ, और जो मतलब इसमें डाटी बचा हुआ है तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैं निकाल ली इसको। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं पकौड़ी कैसे कैसे बनाऊंगी, क्या क्या मतलब इसमें एंड करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा तब तक के लिए। तो गाइस मेरा पत्ता गोभी हो गया है रेडी, और इसमें मैं चावल पीसा हुआ चावल मिक्स करूँगी। देख सकते हैं आप लोग, मैं एक प्लेट ले ली पिसा हुआ चावल, और फिर इसमें गैस मैं आधे चम्मच ले रही हूँ हल्दी, जो कि देखने में मतलब अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मैं ले ली हल्दी, और गैस मैं आधे ही चम्मच ली हूँ नमक, और मैं अपने स्वाद के अनुसार मैं ले ली जीरा। देख सकते हैं आप लोग गैस मैं जीरा ले ली हूँ, और मैं लूँगी गैस पीसा हुआ मतलब बूका हुआ थोड़ी सी मिर्च लाल, और इसको गैस मैं अब मिक्स कर लूँगी। गैस मैं इसको थोड़ा सा पानी ले ले रही हूँ, और उसी पानी में मैं मिक्स करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि गैस तो इसमें मैं बेसन भी डाल सकती थी, बट बेसन से गैस ये जो कुरकुरापन होता है वो कुरकुरापन नहीं रहेगा, इसकी वजह से मैं ले ली हूँ चावल पिसा हुआ। तो मेरे घर चावल मतलब पिसा हुआ रखा गया था, तो मैं ले ली हूँ। अपने स्वाद ही अनुसार आप लोग भी लीजिएगा जैसा पत्ता गोभी रहे, ताकि पत्ता गोभी का स्वाद इसमें जना मतलब आपको पर्याप्त रहे। तो गैस देख सकते हैं आप लोग, मैं जैसे कि फेंट रही थी तो मैं फेंट करके कर ली हूँ रेडी, अब चल रही हूँ फ्राई करने। अपने ही अनुसार गैस से आप लोग भी फेंटिएगा, मतलब ज़्यादा पानी उनी न रहे, नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ऐसे जो मतलब बनाते हैं पकौड़ी जैसा वैसा नहीं बन पाएगा। तो देखिए गैस पहले मैं अपने हाथ पे ऐसे ऐसे कर ले रही हूँ, हम नहीं मम्मी बना रही हैं इसमें, और ले ला। तो देखिए गैस मैं अब फ्राई करना स्टार्ट कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा धीमे आंच में करिएगा आप लोग भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कुरुकुरु नहीं रहता है, जिससे आंच ज़्यादा लग जाएगा तो इसको पकना चाहिए आराम से। तो फाइनली गैस मेरा पत्ता गोभी की पकौड़ी बन चुकी है, और जा रहे हैं अब टेस्ट करने, और आप लोग भी बनाइए और अचार के साथ टेस्ट करिए। आप टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं, बट हमको नहीं अच्छा लगता टमाटर की चटनी तो मैं नहीं बनाई हूँ, आप लोग बना सकते हैं। मैं ली हूँ आम का अचार, और आप लोग देख सकते हैं मैं चल रही हूँ और टेस्ट करने। ओके, अगर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे नए लोग होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।